गुड इवनिंग एवरी वन कैसे हैं आप सभी लोग संजय जी गुड इवनिंग शिवम भाई गुड इवनिंग हर्ष जी गुड इवनिंग मोनिका जी वेरी गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी लोग चलिए बारिश इतनी हो रही है पावर कट इतना ज़्यादा हो रहा है एक्चुअली मैं मेरे में नोटिफिकेशन अभी मुझे सही से चलाना नहीं आता इतना टाइम हो गया है अभी तक सही से चलाना नहीं सीख पाया हूँ यूट्यूब कैसे चलता थैंक यू थैंक यू आज मेरे फिफ्टी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं कपिल जी कैसे हैं आप धीरज जी कैसे हैं आप नंदनी जी ए सी भी लगवानी पड़ेगी बहुत गर्मी लगने लगी अभी से ही चलिए तो स्टार्ट करते हैं देखिए कोशिश यही रहेगी रोज़ रात में नौ बजे एक नौ नौ पाँच के बीच में आप भैया पहली बात तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ठीक है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो ठीक है और कोशिश करिएगा आप लोग आते रहें तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी तो मैं रोज़ पढ़ाता रहूँगा क्योंकि भाई एट द एंड पढ़ाऊँगा तो आप ही कोई जब आप ही लोग आएंगे तभी तो हो पाएगी बात हु? इसको नाइट मोड में कर दिया था मैंने इसको नाइट मोड से हटा देता हूँ हम्म हम्म अगर किसी ने <laughs> रिश्वत दे रहे हैं भाई <laughs> देखिए ये वीडियो की अगर पी चाहिए ठीक है वैसे तो खुद लिखिए ठीक है ये बस सोचिए कि बस पी मिल जाएगी क्या लिख के करेंगे तो खुद लिखिए पहली बात तो हुँ? जितना ज़्यादा लिख पाए जितनी रद्दी बना पाएं जितना लिख पाए मेंस ऐसे ही निकलेगा लिक, सिर्फ लिखने से है? तो थैंक यू नबरीत जी तो क्या हुआ 50,000 सब्सक्राइबर्स हुए बड़ा खुश हुआ मैं पहले सोचा कि आज क्लास कैंसिल करूँ घूम के आऊँ थोड़ा बढ़िया बाहर खाना पीना फिर सोचा दोस्तों दोस्तों के भी फ़ोन आ गए थे लेकिन बारिश हो रही थी तो फिर यस खुद लिखने से याद भी होता है, है? हाँ भाई बी भी होगा बी भी होगा आप टेंशन मत लीजिए ठीक चलो कुछ कहने वाला था वो खुल गया हा, हाँ इसकी पी चाहिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा ठीक है टेलीग्राम स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज नाम से है ज़रूर ज्वाइन करिए इसकी पी चाहिए तो चलो लास्ट लेक्चर में कहां तक हो गया था हम लोग का हम लोग ने पढ़ लिया था कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट ऑफ सेशन में वैसे ही है सेक्शन सिक्स में पहले भी था अब भी सेक्शन सिक्स में ही है हुँ? सेक्शन सिक्स में पहले भी था अभी सेक्शन सिक्स में ही है हाई कोर्ट होता है अदर कोर्टेज कॉन्स्टिट्यूट अंडर एनी अदर लॉ किसी और लॉ में अगर कोई और कोर्ट बनी है वो उनको हटा के बाकी हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो हर एक स्टेट में कौन कौन सी कोर्टें होंगी कोर्ट ऑफ सेशन होगी जे एम फर्स्ट क्लास होगी यहाँ पर हम लोग पहले एमएम और देखते थे एमएम हटा दिया गया ठीक है मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वाला सब कॉन्सेप्ट हटा दिया गया बिल्कुल ठीक कोर्ट ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हटा दी गई ठीक तो यहां से भी हट गए जे हम सेकंड क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फिर हम लोग जाना था क्रिमिनल कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में क्या अंतर होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्रिमिनल कोर्ट होती है लेकिन ट्रायल कोर्ट नहीं होती है ठीक सेक्शन सिक्स के बाद में क्या बात है सेक्शन सिक्स के बाद में सेक्शन सेवन आ जाता है टेरिटोरियल डिवीजन एक मिनट यस लिख देता हूं लेक्चर टू हम्म एल टू का मतलब लेक्चर टू हो गया ठीक है सेक्शन सेवन में क्या आ जाता है टेरिटोरियल डिवीजन टेरिटोरियल डिवीजन में कोई अंतर नहीं किया गया टेरिटोरियल डिवीजन टेरिटोरियल में क्या था कि हर एक स्टेट में भाई स्टेट कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन सेशन डिवीजन होगा हम्म और एवरी सेशन डिवीजन कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्स ठीक ये तो हमें मालूम ही है इसमें कोई अंतर भी नहीं किया गया ठीक सेक्शन आठ कोर्ट ऑफ सेशन क्योंकि आठ में पहले एम mm एम था ठीक है मेट्रोपॉलिटन एरिया था वो वन वन मिलियन वाला कॉन्सेप्ट मतलब दस लाख वाला वो हटा दिया गया ठीक है तो अभी यहाँ पर आ गया है कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट ऑफ सेशन का ध्यान रखिए ये एस्टेब्लिश की जाती है एस्टेब्लिश की जाती है केबल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट ठीक है बाकी सारी कोर्टें स्टेट गवर्नमेंट ही एस्टेब्लिश करती है लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट हम्म अरे भाई पार्टी तो मेरा देने का बहुत मन था <laughs> मोनिका ने नवनीत ने सब लोग ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा और ये मतलब पुराने स्टूडेंट भी हमारे जब हमें कोई नहीं जानता था तब इन्होंने हमें यूट्यूब पर ढूंढ लिया था <laughs> जी जरूर मिलूँगा चलिए ठीक है ध्यान रखिएगा कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टेब्लिश कौन करता है स्टेट गवर्नमेंट किसी कंटर भाई कोर्ट ऑफ सेशन तो होगी ही होगी हर जगह ठीक उसके अलावा इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है प्रिसाइडिंग जो कोर्ट ऑफ सेशन में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा मतलब सेशन जज उसको कौन अपॉइंट करता है वेरी गुड कौन अपॉइंट करता है कोर्ट ठीक चलो और इसमें हाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ साथ असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो जान जाओ सेशन जज ही होगा ठीक उसके अलावा एडिशनल सेशन जज असिस्टेंट सेशन जज भी हटा दिया गया है ठीक है ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ असिस्टेंट सेशन जज का कॉन्सेप्ट खत्म ठीक यहाँ पर और लिखे जाओ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट खत्म ठीक तो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गए तो मेट्रोपोलिटन एरिया भी गया एडिशनल सेशन जज को कौन अपॉइंट करेगा वेरी गुड हाई कोर्ट ठीक है भाई तो हाई कोर्ट ही अपॉइंट करती है ठीक है एक चीज और है अगर सीट वैकेंट होती है ये सब पुराना ही है कोई चेंज नहीं हुआ ठीक है बस असिस्टेंट सेशन जज हटा दिया गया बाकी सब पुराना है अगर सीट वैकेंट होती है सेशन जज की तो हाई कोर्ट सेशन जज की जगह किसको बैठा देगा एडिशनल सेशन जज अडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो असिस्टेंट सेशन जज असिस्टेंट तो रहा ही नहीं असिस्टेंट कहां से हो जाएगा पहले असिस्टेंट था अब हो जाएगा सीधे सी ठीक है अगर एडिशनल सेशन जज नहीं है तो सी जी साहब एक नज़र आपकी बैरक पे रहनी चाहिए ठीक हाँ पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी उसके देखे बिना काम नहीं चलेगा ठीक उसके देखे बिना काम नहीं चलेगा तो इस, तो इसमें क्या क्या हो गया हम लोग कोर्ट ऑफ सेशन की बात कर रहे हैं एक ही सेक्शन है सेक्शन पहले नाइन और टेन दो में था अब एक ही रह गया है केवल नाइन ठीक वो सॉरी आठ ठीक है आठ रह गया एक ही सेक्शन पहले नाइन टेन दो सेक्शन थे दसवा असिस्टेंट सेशन जज की बात करता था असिस्टेंट सेशन जज हट चुका है तो सेक्शन का कोई काम नहीं रहा उसमें बाकी जो दो चीजें थी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली बात और वो सब वो सब उठा के इसी में ही डाल दी गई है सेक्शन आठ में ही ठीक है अगर सीट वैकेंट होगी तो सेशन जज की जगह किसकी सीट बैकेट हो रही है सेशन जज की तो हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज या सीजीएम को बैठा देगा उनकी जगह कि आप इनके काम देख लो ठीक चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस पहले सेक्शन टेन में था ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस क्या होता है कि इनको कौन सा केस कौन सा केस कौन देखेगा ये कौन देखेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस जो है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ठीक है सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट कौन देखेगा सेशन जज ठीक है सेशन जज देखेगा कि कौन से एडिशनल सेशन के जज के पास कौन से केसेस रहेंगे ठीक है कौन सा एडिशनल सेशन जज कौन सा केस देखेगा ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस ठीक है चलो इसके अलावा सेक्शन आठ में कुछ भी नहीं है सेक्शन नौ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पहले सेक्शन नाइन में क्या था दोनों याद रहने चाहिए ठीक है थोड़ा सा काम बढ़ गया है और अगर मैं कुछ भूल जाऊं हम्म हाँ जी ट्विंकल जी न्यू बेरेक्ट आ गया ठीक है कमेंट नहीं देख पाऊंगा जब मैं पीछे देखूंगा तो कमेंट को मैं कहीं पर कहीं बेरेक्ट में आपको भी ये काम है भाई एक ह्यूमन हूं ह्यूमन एरर हो सकता है ठीक जहाँ तक ऐसी गलती होगी नहीं कि पुराने और नए में कुछ नया हो और मुझे समझ में ना आए ठीक लेकिन फिर भी अगर आपको अगर कुछ पकड़ में आए तो जरूर बताइएगा जरूर कमेंट करिएगा ठीक है अभी तक ऐसा तो है नहीं कि धुरंधरों ने सबने जो है इस पे पढ़ लिया नए बुक्स आ गई सब कुछ सब कुछ अपना ही है अभी ठीक कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन नाइन पहले सेक्शन नाइन में क्या था जल्दी बताइए कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन एस्टेब्लिश करेगा ये सब प्री के क्वेश्चन है एस्टेब्लिश बाई स्टेट गवर्नमेंट लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट ठीक है भाई हम्म क्या है डिस्ट्रिक्ट में होंगी और क्या सच नंबर ऑफ लिखे ही दे रहा हूं सच नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जितना इन्हें सही लगेगा उतने कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन डिस्ट्रिक्ट ठीक चलो दूसरी बात हाई कोर्ट इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कौन होता है जल्दी बताइए प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है हाई कोर्ट अपॉइंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ठीक है ध्यान रखिएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में सीजीएम होता है उसके अलावा इसके अलावा कुछ नहीं है सेक्शन टेन है सेक्शन टेन क्या बताता है सीजेएम साहब एंड जे एम एडिशनल सीजेम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट क्या करेगा किसी एक जेएम फर्स्ट क्लास को उठाएगा और कहेगा लो आज से तुम क्या हो आज से तुम सीजेएम हो ठीक फिर दूसरे को उठाएगा एक जे फर्स्ट क्लास को उससे बोलेगा आज से तुम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो ठीक कहने का मतलब है जे फर्स्ट क्लास ही, जे एक अपॉइंट होता है, है? और जे एम फर्स्ट क्लास ही एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होता है बस एक बार ध्यान रखिएगा अगर सब डिविजनल एरिया हुआ ठीक है अगर सब डिविजन हुआ तो सब डिविजन के केस में एक होता है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर सब डिविजनल भी है वहां पर तो सब डिवीजनल सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होगा वहां पे ठीक चलो बस इतना ही है सेक्शन ग्यारह स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पहले कहा था स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जल्दी बताइए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पहले तीन जगह था तेरा अठारह इक्कीस है पहले तेरह अठारह इक्कीस था अब ये क्या रह गया अब रह गया ये सेक्शन ग्यारह में ठीक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कोई अंतर नहीं किया गया वैसा ही है हाई कोर्ट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई कोई पर्टिकुलर केस पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस इसके लिए क्या चाहिए एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो हाई कोर्ट अपॉइंट कर देगा ठीक है टाइम पीरियड वही रहा है अभी भी वन ईयर ठीक है नॉट मोर देन वन ईयर पहले भी वन ईयर ही था बिल्कुल वैसा ही है कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें ठीक चलो सेक्शन बारह लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लोकल जुरिडिक्शन कौन डिसाइड करेगा सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट. सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट कौन सीजीएम डिसाइड सीजीएम डिसाइड लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लोकल जुरिडिक्शन कह लो चाहे लोकल लिमिट कह लो ठीक चलो और 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 इसमें कुछ नहीं है ठीक बारह के बाद में तेरा सेक्शन तेरह सबॉर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मजा आएगा अभी रुको अभी अभी आ रहा है सबॉर्डिनेशन क्या होगा हमें पता है सबसे पहले सेशन जज होता है फिर सीजीएम होता है फिर सारे जे एम होते हैं यह सबऑर्डिनेशन होता है सबसे पहले अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिख दो चाहे इसे अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ठीक है सेशन जज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ठीक अब आ जाता है क्योंकि क्योंकि अब कोर्ट ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रहा नहीं ठीक है कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ ये रहा नहीं तो फिर क्या होगा कोर्ट ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रहा नहीं तो वो सारे सेक्शन ठीक है सोलह सत्रह अठारह उन्नीस सब उड़ गए कुछ नहीं रहा सीधे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद क्या आ जाएगा कोर्ट ऑफ वो सॉरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ठीक है सेक्शन चौदह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में क्या होगा ध्यान रखना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं होता ठीक है अगर कहीं पे भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा हो तो समझ जाना पूरा पूरा काम स्टेट गवर्नमेंट का होगा उसमें हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगा क्या इतने सारे कमेंट हो गए सर हिंदी में पढ़ाइए ना खुशबू जी हिंदी में तो मैं नहीं लिख पाऊंगा ऐसे इतनी जल्दी ठीक है आप ये करिए हिंदी मीडियम हिंदी डिगलॉड वाला बैरक ले लीजिए ठीक हेडिंग ही लिख रहा हूँ और जो मेन पॉइंट है वो लिख रहा हूँ ठीक जैसे यहाँ पर मैंने सेशन जज लिखा सी लिखा अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा इसमें क्या है बस आपके पास हिंदी का डिगलॉट होना चाहिए सर मेरा दस को क्लर्क कम रिसर्चर का एक एकदम है और उस पर उस पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एक स्मॉल वीडियो बनाओ ना सर हाँ पता है सुप्रीम कोर्ट का क्लर्क का एग्ज़ाम है हुँ। 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 साहब थैंक यू चलिए ठीक है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में क्या होगा ध्यान रखिएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं होता तो अगर पूछ दिया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एस्टेब्लिश बाई तो एस्टेब्लिश बाई स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ही किसी एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उठा के डीएम साहब बना देंगे किसी एक को उठा के एडिशनल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना देंगे एडिशनल एड एडीएम ठीक ध्यान रखें जहां पे सब डिवीज़न होगा जहां पे जिस डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीज़न होगा वहां पे डीएम साहब होंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी होंगे वहां पर चलो इसके अलावा कुछ है कुछ नहीं है सेक्शन फिफ्टीन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है क्या है स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस को एस साहब को ठीक है ध्यान रखना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पहले ऐसा कुछ नहीं था पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाते थे ठीक है लेकिन अब एसपी साहब को भी इनके पास पावर स्टेट गवर्नमेंट पास या तो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या एसपी को जो बना सकते हैं क्या स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पहले ये था कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर को ठीक है सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस बोल लो कमिश्नर बोल लो एसएसपी बोल लो सब सेम रैंक के होते हैं जस्सा आपको ज्यादा जानकारी है क्यों गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं <laughs> क्या है स्टेट गवर्नमेंट किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पहले यह था कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दे सकते थे लेकिन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने के लिए पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही हुआ करता था ठीक है चलो अब इसमें एस को भी पावर दे सकते हैं एस हो चाहे कमिश्नर ऑफ पुलिस हो चाहे एस एस हो एक ही बात है ठीक है सब सेम रैंक के हैं और तो इसमें कुछ है नहीं सोलह में लोकल जुडिडक्शन ज्योडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ठीक ये सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डीएम साहब जो है डिसाइड करेंगे डीएम डिसाइड द लोकल ज्योडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वेरी गुड सेक्शन सत्रह सबॉर्डिनेशन अभी आ रहा है सब सब अभी बता रहे हैं है 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 कि नहीं ठीक ध्यान रखना डीएम साहब जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे सब सबॉर्डिनेट होंगे डीएम साहब के लेकिन जहां पे सब डिवीजन एरिया है जहां पे सब डिवीजन एरिया है वहां पर क्या होगा वहां पर डीएम साहब उसके नीचे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एस डी एम साहब उसके नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ठीक ऐसे ऐसे आएंगे जहां पे सब डिविजन एरिया है वहां पर ऐसे होगा वरना अगर सब डिविजन नहीं है केवल डिस्ट्रिक्ट है तो डीएम उसके नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ठीक सेक्शन सत्रह उसके बाद में आ जाओ पी पी पब्लिक प्रोजिक्यूटर सेक्शन अठारह बताओ पहले पीपी कहाँ था सेक्शन एटीन पहले पब्लिक प्रोजिक्यूटर कहाँ था पब्लिक प्रोजिक्यूटर पब्लिक प्रोजीक्यूटर चलो देखो पब्लिक प्रोजीक्यूटर अगर हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट हो रहा है ठीक है पीपी पी हाई कोर्ट में होते हैं डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उसके बाद में कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में होते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोजिक्यूटर ठीक है तो अगर हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट हो रहा है तो हाई कोर्ट के लिए दोनों लोग अपॉइंट करते हैं ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने अपने पीपी अपॉइंट करते हैं पब्लिक प्रोजिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोजिक्यूटर पब्लिक प्रोजिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोजिक्यूटर ठीक है हाई कोर्ट के लिए और अगर डिस्ट्रिक्ट इसमें एक प्रोविजो जोड़ा गया है तो नया न्यू न्यू लिख देता हूँ कुछ नया जोड़ा होगा तो न्यू लिख दिया करूँगा ठीक है एक प्रोविजो जोड़ा गया है जो पहले नहीं था कि अगर कोई भी पीपी अपॉइंट हो रहा है नेशनल एनसीटी ऑफ दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली में अगर कोई पीपी अपॉइंट होना है तो कौन अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ये पहले ऐसा कुछ नहीं मिला था अब यह पढ़ गया है ठीक है अगर एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए कोई भी अपॉइंट हो रहे हैं तो कौन अपॉइंट करेगा हम्म कौन अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ठीक है डिस्ट्रिक्ट के लिए ये तो हाई कोर्ट के लिए हो गया डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट के लिए पीपी -पी और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पीपी -पी. देखो स्टेट गवर्नमेंट तो अपॉइंट करेगी करेगी स्टेट गवर्नमेंट सेल अपॉइंट ठीक है सेल अपॉइंट अपॉइंट करेगी करेगी लेकिन हाई को वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अगर उसे जरूरत होगी तो अपॉइंट करेगी वरना कोई जरूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़े स्टेट में केस चल रहा है चलेंगे तो अपॉइंट कर लेंगे चलो <coughs> बताऊंगा अभी क्या अंतर हुआ है पैनल ऑफ नेम वाला वही है कि अगर पैनल ऑफ नेम्स तैयार होता है पीपी -पी के लिए पीपी एडिशनल -पी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए तो वो कौन तैयार करता था बिल्कुल वैसे ही है डीएम साहब विद द कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज डीएम विद कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज प्री का क्वेश्चन था ये अब भी है मतलब था क्या ये कहाँ जाएगा क्वेश्चन तो वही रहेंगे हुँ? इसके बाद था रेगुलर कैडर वाला वो भी है अभी अगर रेगुलर कैडर है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोजीक्यूटर रेगुलर रेगुलर कैडर ऑफ प्रोजीक्यूटिंग ऑफिसर अगर रेगुलर कैडर है तो उसके थ्रू अपॉइंट होंगे ठीक प्रैक्टिस का भी वही रखा है प्रैक्टिस का भी वही रखा है कि पीपी -पी के लिए और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए पीपी -पी और एडिशनल पीपी अरे एडिशनल पीपी इन दोनों के लिए सात साल नॉट लेस देन सेवन इयर्स प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर सात साल लिख रहे हैं तो सात साल जेल की थोड़ी बात कर रहे हैं यही कह रहे हैं कि प्रैक्टिस सात साल की होनी चाहिए ठीक दूसरा अगर स्पेशल पब्लिक प्रोजिक्यूटर है स्पेशल पब्लिक प्रोजिक्यूटर है तो उसके केस में दस साल टेन ईयर्स ठीक है पहले भी ऐसा ही था आ जाता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोजिक्यूटर सेक्शन उन्नीस पहले कहा था असिस्टेंट पब्लिक प्रोजिक्यूटर पहले कहाँ था असिस्टेंट पब्लिक प्रोजिक्यूटर ध्यान रखिएगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोजिक्यूटर अपॉइंट होता है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होती हैं उनके लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोजिक्यूटर अपॉइंट करना होता है कौन अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट है कौन अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट ये भी प्री में खूब पूछा जाता है कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोजिक्यूटर को कौन अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट ठीक या कुछ भी पूछ दें कि पीपी -पी को डिस्ट्रिक्ट में कौन अपॉइंट करता है एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिस्ट्रिक्ट में कौन अपॉइंट करता है ठीक कमेंट करके बताइएगा पहले असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में कितने साल का एक्सपीरियंस मांगते थे पहले असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में कितने साल का एक्सपीरियंस मांगते थे सीआरपीसी में जल्दी बताइए एक नई चीज़ जोड़ी गई है इसमें लिख लो क्या कि अगर नो पीपी अवेलेबल नो नो पब्लिक पीपी क्या असिस्टेंट पब्लिक प्रोजिक्यूटर लिखें भाई नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोजिक्यूटर इज अवेलेबल अगर कोई पीपी अवेलेबल नहीं होता है तो डीएम में अपॉइंट एनी पर्सन एस पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और उसका जो है जो है और उसका नोटिस एक देना पड़ेगा ये इम्पोर्टेंट जोड़ा गया ठीक है उसका नोटिस जो है किसको अपॉइंट किया है नोटिस देना पड़ेगा विद इन फोर्टीन डेज नहीं आफ्टर गिविंग नोटिस डीएम अपॉइंट करेगा आफ्टर गिविंग नोटिस पहले नोटिस देगा आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ फोर्टीन डेज किसको नोटिस देना होगा स्टेट गवर्नमेंट को टू स्टेट गवर्नमेंट ठीक ऐसा पहले कुछ नहीं था ठीक ये चौदह दिन का नोटिस देने वाला कॉन्सेप्ट पहले डॉली जी लेकिन सर वो अच्छा था आप बोर्ड साफ़ करते करते बात करते थे और काम हो हो गया है और वो कम हो गया है सो आपसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है अरे सिलेबस ज़्यादा है इसलिए भाई हम तो बात करने के लिए हम तो बातूनी हैं ही हम तो बतियाते ही रहेंगे ठीक लेकिन सिलेबस बढ़ गया है जल्दी जल्दी निपटाना है इसको कहीं जुलाई के बाद से एग्ज़ाम में आने लगा फिर फिर आपको एक माटर साहब बतियाते रहते थे पढ़ाया नहीं तो इसका मतलब ना है। पसीने में ही पढ़ाऊ <laughs> आंखों को आपकी आदत हो गई है ऐसे देखने की और कोई बात नहीं <laughs> आपकी आंखों को आदत हो गई थी वैसे देखने की और कोई बात नहीं <laughs> समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है कि नहीं बहुत सब बातें फालतू की हैं सब समझ में आना चाहिए बस समझ में आना चाहिए बाकी सब ठीक है जल्दी जल्द बताइए पहले तो आप लाइव देख ही नहीं पाते थे अब तो आप लाइव देख रहे हैं भाई रिकॉर्ड करते हुए वेरी गुड समझ में आना चाहिए और कोई बात नहीं बाकी सब बातें लगी रहेंगी बीच बीच में बात करते रहेंगे ठीक है ये पहले 14 डेज वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हाँ पहले भी डीएम साहब अपॉइंट कर सकते थे किसी भी आदमी को लेकिन ये नोटिस वोटिस नहीं देना पड़ता था पहले से नोटिस नहीं देना पड़ता था ठीक है अब इसके बाद में वो पुलिस ऑफिसर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अब भी है ठीक है प्रोविजो अब भी है वो क्या है नो पुलिस ऑफिसर नो पुलिस ऑफिसर कोई भी अपॉइंट नहीं हो सकता है नोलिस्यूटर इफ 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 पहला हैज पार्ट अगर पुलिस ऑफिसर ने टेकिंग पार्ट इन इन्वेस्टिगेशन अगर उसी ने इन्वेस्टिगेशन की है तो उसी केस में वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोजिक्यूटर के नहीं जा सकता दूसरा इफ इज रैंक बिलो ऑफ जल्दी बताओ इफ ही इज बिलो बिलो रैंक ऑफ यस इंस्पेक्टर अब आ जाता है सेक्शन ट्वेंटी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन लिख देना इसमें बहुत सारी न्यू चीजें जोड़ी गई ठीक है इस पे न्यू डाल देना डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश क्या क्या सबसे पहले ए लिख लो क्या क्या एस्टेब्लिश करेगा कि एक होगा मतलब डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन जिसमें कौन कौन होगा डायरेक्टर होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन दूसरा होगा डिप्टी डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन ठीक दूसरा एक और चीज बन गई है इसमें नई जो जोड़ी गई है जो पहले नहीं होती थी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन एक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन भी बनाना पड़ेगा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन पहले केवल डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन था जो स्टेट लेवल का होता था ठीक है अब डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन भी एक ऑफिस बनाना पड़ेगा ठीक जिसमें कौन कौन होगा डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन में एक डिप्टी डायरेक्टर होगा इसमें डिप्टी डायरेक्टर भी हुआ करेंगे और एक नई पोस्ट बना दी है असिस्टेंट असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर ठीक है असिस्टेंट डायरेक्टर्स की एक पोस्ट बना दी गई नई पोस्ट है पहले सीआरपीसी में ये नहीं थी ठीक है ये ऑफिस ही नया नहीं था ठीक है ये डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन पहले ऐसा कुछ सीआरपीसी में नहीं था पहले केवल डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन होता था जो होम मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट के अंडर आता था ठीक है समझे कि नहीं अब क्या है एक और ऑफिस हो गया है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा चेयर्ड वाई उसमें कौन कौन हुआ करेगा डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर भी एक नई पोस्ट आई है ये पहले नहीं थी ठीक है ये इसके सामने इसके आएंगे ऑफ प्रोजिक्यूशन और डाल लीजिएगा ठीक है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन ठीक चलो एलिजिबिलिटी पहले एलिजिबिलिटी क्या थी एलिजिबिलिटी क्या होगी पहले क्या थी भाई डायरेक्टर के लिए और डिप्टी डायरेक्टर के लिए कितने साल की प्रैक्टिस चाहिए थी जल्दी बताओ देखो क्राइटेरिया या एलिबिलिटी डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन लिखते रहिए ये नई चीजें हैं सब और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन डायरेक्टर ऑफ प्रोसीक्यूशन डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसीक्यूशन इन दोनों के लिए अब जो एक्सपीरियंस मांगा गया है नॉट लेस देन 10 15 इयर्स 15 साल का या वो सेशन जज रहा हो या सेशन जज हो ठीक है समझ में आया कि नहीं क्राइटेरिया बदल गया है अब 10 साल के जमाने गए अब कौन सा है नया सीआरपीसी पढ़ो 15 साल है और साथ में या तो पंद्रह साल की प्रैक्टिस हो या सेशन जज हो ठीक है ये दोनों क्राइटेरिया अब आ गए हैं पहले भूल जाओ नए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाऊंगा नई सीआरपीसी पे नई सीआरपीसी नए क्वेश्चन बनाऊंगा नए क्वेश्चन पूछूंगा हम्म चलो और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन के लिए क्या चाहिए क्या चाहिए सात साल का एक्सपीरियंस हो या जे एम फर्स्ट क्लास हो ठीक या तो अब जे एम फर्स्ट क्लास हैं तब आप असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन बनने के लिए एलिजिबल हैं या सात साल की प्रैक्टिस हो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा ठीक है बाकी है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पहले भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पहले भी होम 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 मिनिस्ट्री के था होम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम मिनिस्टर होम डिपार्टमेंट लिखा होता है होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इसके अंडर आता है ये भी प्री का क्वेश्चन है ठीक है प्री का क्वेश्चन तब भी था अब भी है कि ये किसके अंडर में आते हैं ये डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर ये सब किसके अंडर आते हैं ये सब आते हैं इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनके ऊपर होता है होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का ठीक है सबऑर्डिनेशन की बात करें अगर सबॉर्डिनेशन की बात करें अगर इन जनरल सबॉर्डिनेशन की बात करें तो हमें देख के लग रहा है डायरेक्टर सबसे ऊपर होगा उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर होगा उसके बाद उसके बाद कौन रह गया असिस्टेंट असिस्टेंट डायरेक्टर होगा इन जनरल की बात करें ठीक अब अगर हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट होते हैं ठीक है अगर कोई भी कोई भी हाई कोर्ट के लिए कोई पीपी अपॉइंट होता है या असिस्ट एडिशनल पब्लिक प्रोजीक्यूटर अपॉइंट होता है या स्पेशल पब्लिक प्रोजीक्यूटर अपॉइंट होता है तो इन सारे केसेस में अगर ये कोर्ट के लिए अपॉइंट हुए हैं कंडक्टिंग प्रोसीडिंग अपील अदर प्रोसीडिंग कुछ भी हाई कोर्ट में कोई भी काम के लिए ये पीपी एडिशनल पीपी या एसपीपी अपॉइंट हुए हैं तो ये रिपोर्ट करेंगे सीधे डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन को ठीक और अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अपॉइंट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अगर कोई पीपी अपॉइंट हुआ है या एडिशनल पब्लिक प्रोजीक्यूटर अपॉइंट हुआ है या स्पेशल पब्लिक प्रोजिक्यूटर अपॉइंट हुआ है तो इस केस में ये रिपोर्ट करेंगे डिप्टी डायरेक्टर को यह पहले भी ऐसे ही था ठीक है अगर हाई कोर्ट के लिए तो इनको और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए तो इनको ठीक एक चीज जोड़ दी गई है धुआंधार फंक्शन काम क्या रहेगा इनका फंक्शन ठीक है भैया इनका फंक्शन है साफ साफ केस को मॉनिटर करना ठीक है टू मॉनिटर केस या उसकी जो है अपील जानी है कि नहीं जानी है केस में क्या चल रहा है कैसे जल्दी डिस्पोज ऑफ हो मतलब ओवरऑल केस को मॉनिटर करना ठीक है ठीक ओवरऑल उसको मॉनिटर करना केस को और मॉनिटर के केस में क्या क्या देखो फंक्शन सबके जानना डायरेक्टर का क्या काम है डायरेक्टर कौन कौन से केसेस मॉनिटर करेगा डायरेक्टर वो केसेस मॉनिटर करेगा जिसकी पनिशमेंट जो है पनिशमेंट ये नया जोड़ा गया है कुछ नहीं था ऐसा ठीक है पहले कुछ नहीं था पनिशमेंट मोर देन टेन इयर्स दस साल और डेथ और लाइफ इंप्रिजमेंट ऐसे केसेस तो कौन मॉनिटर करेगा ऐसे केसेस जिसकी पनिशमेंट मोर देन टेन इयर्स है डेथ है या लाइफ इंप्रूवमेंट है ऐसे केसेस को मॉनिटर करेगा डायरेक्टर ठीक डिप्टी डायरेक्टर कौन से केसेस को मॉनिटर करेगा डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटर करेगा वो सारे केसेस जिसकी पनिशमेंट मोर देन सेवन इयर्स और लेस देन टेन ईयर्स दस साल से कम है सात साल से ज्यादा है तो ऐसे केसेस को मॉनिटर कौन करेगा डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर वेरी गुड बताओ भाई असिस्टेंट डायरेक्टर क्या होगा फिर कौन से केसेस देखेगा वो सारे केसेस वो सारे केसेस जिसमें पनिशमेंट लेस देन सेवन ईयर्स है लेस देन सेवन ईयर्स ये सब नहीं जुड़ी हैं ठीक है पहले कुछ ऐसा नहीं लिखा था बस मॉनिटर करते थे केस को कौन से केस कौन मॉनिटर करेगा ऐसा कुछ नहीं था ठीक है ओवरऑल बस केस को मॉनिटर करना है मॉनिटर करने का मतलब कि किसी केस पे अपील लेके जानी है कि नहीं कैसे डिस्पोज होगा कौन सा केस ठीक है किस केस में क्या क्या करना है ये सब यही देखेंगे ठीक है कौन कौन से केसेस एक चीज और लिख लेना इसमें कहीं नीचे किया है कि ये सेक्शन जो है ये सेक्शन अपना अप्लाई नहीं होता है किसके ऊपर एडवोकेट जनरल के ऊपर एडवोकेट जनरल के ऊपर अगर उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है ठीक है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं वो किसी के अंडर नहीं आएगा ठीक है ये बात ध्यान रखना नॉट अप्लाई लिख दो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता ये सेक्शन पहले भी ये था ठीक है चलो देखते हैं क्या क्या नया जुड़ा इसमें पीपी यहाँ से चालू हो गया 18 से ठीक हाँ सेक्शन 18 में पब्लिक प्रोसीक्यूटर आ गया है पहले 24 25 25 ए कमेंट करके बताइए पुरानी वाली सीआरपीसी में 25 ए कब जोड़ा गया था ठीक जल्दी बताइए अब इसको रिवाइज करते हैं तो क्विकली क्विकली रिवाइज करते हैं मैं स्क्रीन सामने हट जाता हूँ जिससे आपको साफ-साफ दिखे फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब अठारह में हो गया है हाई कोर्ट के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपॉइंट कर सकती है किस किस को पीपी को एडिशनल पीपी को ठीक है एक नया प्रोविजो इसमें जोड़ दिया गया है जिसमें यह बोला गया है कि अगर पीपी या एडिशनल पीपी डेली के लिए अपॉइंट होगा तो कौन अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ डेली ठीक डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन अपॉइंट करेगा डिस्ट्रिक्ट के लिए पीपी एडिशनल पीपी स्टेट गवर्नमेंट तो सेल करेगी ही करेगी ठीक है इन्हें तो करना ही करना है सेंट्रल गवर्नमेंट में कर भी सकती है तो नहीं भी कर सकती है Of तो सात साल, साल है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहले भी दस साल था अब भी दस साल है सेक्शन उन्नीस में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ गया है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमें पता है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए अपॉइंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट में ठीक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कोई भी पुलिस अगर कोई भी असिस्टेंट पब्लिक पब्लिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो डीएम किसी को भी अपॉइंट कर सकती है असिस्टेंट पब्लिक लेकिन उसे पहले पहले स्टेट गवर्नमेंट को डेज नोटिस देना पड़ेगा यह नोटिस वाली बात नहीं जोड़ी गई है ठीक ये बाकी यही है कि भाई कोई भी अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है उसने इन्वेस्टिगेशन की है तो वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता या वो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है तो नहीं बन सकता सेक्शन ट्वेंटी में बहुत चेंजेस हुए हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन पहले पच्चीस ए में था वो अब सेक्शन बीस में आ गया है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यून होगा और एक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यूशन भी होगा ये तो एकदम नया जोड़ा गया डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजिक्यून पहले भी हुआ करता था उसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन हुआ करते थे ठीक है मतलब डायरेक्टरेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोजिक्यूशन ठीक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन इसमें डिप्टी डायरेक्टर होगा और असिस्टेंट डायरेक्टर होगा असिस्टेंट डायरेक्टर तो पहले कुछ था ही नहीं यही ये, यही नहीं था तो वो कहां से होगा चलो एलिबिलिटी चेंज कर दी गई है ठीक ये भी सब न्यू है पहले कुछ नहीं था ऐसा क्या पहले दस साल का एक्सपीरियंस मांगते थे अब पंद्रह साल का मांग रहे हैं या आप सेशन जज हो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में सात साल का मांग रहे हैं या आप जे फर्स्ट क्लास हो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अभी भी उन्हीं के हाथ में है सबॉर्डिनेशन अब भी वैसे ही है सबॉर्डिनेशन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा अगर अंदर थोड़ा डीप में जाके पूछ लेंगे तो ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी हाई कोर्ट के लिए पीपी एडिशनल पीपी या स्पेशल पब्लिक प्रोजिक्यूटर अपॉइंट हो रहा है तो वो डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन को सीधे सीधे, सीधे रिपोर्ट करेगा अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अपॉइंट हो रहा है तो वो डिप्टी डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा फंक्शन फंक्शन में बहुत चेंज किए गए हैं डायरेक्टर वो सारे केसेस देखेगा जिसमें पनिशमेंट दस साल से ज़्यादा होगी डिप्टी डायरेक्टर वो सारे केसेस देखेगा जिसमें सात साल से ज्यादा और दस साल से कम और असिस्टेंट डायरेक्टर वो सारे केसेस देखेगा जिसमें पनिशमेंट सात साल से कम होगी चलिए और बताओ अब बताओ भाई क्या कह रहे थे तो सर जो सेशन जज होंगे और जेएम हम फर्स्ट क्लास वो दोनों पोस्ट होल्ड कर सकते हैं लाइक डायरेक्टर और जज की अब जब होगा तब देखा जाएगा ये हैं नहीं दोनों पोस्ट तो एक साथ नहीं कर पाएंगे ठीक है जहां तक मुझे लग रहा है गृह मंत्रालय वेरी गुड लेस देन सेवन ईयर्स दो हज़ार पाँच में वेरी गुड पच्चीस है दो हजार पाँच में सर आपको बहुत मिस किया तभी तो मैं आ गया सी आर पी सी यार सब पढ़ा डाला था यार मैंने क्या रह गया था सी आर पी सी पढ़ा दिया था सी पी सी पढ़ा दिया था आई पी सी पढ़ा दिया था एविडेंस पढ़ा दिया था ठीक उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया था टॉर्ट पढ़ा दिया था एस आर ए पढ़ा दिया था लिमिटेशन पढ़ा दिया था और फैमिली लॉ भी चालू कर दिया था ठीक तो कुछ रहा ही नहीं था तो फिर हमने फिर बात की हमने हमने कहा पार्लियामेंट में हमने कहा यार मेरे लिए कुछ पढ़ाने के लिए नहीं रहा है तो उन्होंने कहा सर करते हैं फिर उन्होंने कहा विशाल सर आपकी बात तो हम टाल नहीं सकते तो ऐसा करते हैं तीनों चेंज कर दें हमने कहा तीनों मत करो यार बच्चे डर जाएंगे उन्हें नहीं यार तीनों किए दे रहे, फिर रात दो चार साल आराम से बढ़ाना हमने कर दो फिर तीनों चेंज हो गए वेरी गुड भी हुई है। कोई बात नहीं ध्यान रखिएगा रोज रात में नौ बजे ठीक है कोई भी काम हो सब छोड़ छाड़ के नौ बजे आइएगा ज्यादा से ज्यादा लोग आइए तो मेरा भी मन लगा रहेगा और इतना बड़ा सिलेबस है इतना बड़ा है अब जो है कैसे कंप्लीट होगा पहले तो हमने अकेले चुपचाप रिकॉर्ड करके कंप्लीट कर लिया था अब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा भाई अब हमें चाहिए साथ कि नहीं अब हमें चाहिए फुल साथ है? अरे अब तो बोर्ड ठीक <laughs> है कल से इसको हटा के पुराना वाला बोर्ड लगाऊंगा उस पर पढ़ाऊंगा ठीक है ऐसा बार बार मत बोलो डोली जी कहीं भगवान ऐसा मत करो भाई हाँ जी सार्थक जी आपका मैसेज देखता हूँ आपने अगर व्हाट्सएप पे किया है आंसर राइटिंग पे शॉर्ट वीडियो नहीं आंसर राइटिंग पे आंसर लिख के दिखाना पड़ेगा ठीक है आ, तब वो काम बनेगा शॉर्ट वीडियो आंसर राइटिंग में क्या है आंसर राइटिंग करके दिखाओ तब पता चलेगा आ, वो ऐसा है जिसके लिए प्रैक्टिकल करना है अरे <laughs> आप लोग ऐसे ही साथ दिए रहे हैं ठीक है रोज़ लाइव ही अटेंड करिएगा हूँ अरे बस भगवान की कृपा रहे ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की हम लोग के ऊपर हम सभी के ऊपर कृपा बनी रहे बाकी तो सब ठीक है आज मैं इतना खुश था मेरा मन हो रहा था कि बाहर घूमने जाऊँ ठीक है मैं निकल नहीं पाता हूँ और रूम पे तो मैं अकेला ही हूं ठीक है पूरे फ्लैट पे तो जो है मेरा मन था लेकिन हमने सोचा नहीं क्लास ले लो यार कल तो चालू ही किया आज ही जो है आ, उसका भाई पेपर थोड़ा हटके है उसका ठीक है सुप्रीम कोर्ट के क्लर्क का मुझे इतना आइडिया भी नहीं है भाई उसमें मुझे ज़्यादा से ज्यादा एलएलएम के एग्जाम का आइडिया है क्योंकि मैंने दिया था एन का ठीक है लेट पीजी जब होता है हाँ भाई अरे अभिषेक जी फ्री <laughs> ये पूरी सी आर पी सी हम लोग करेंगे हाँ सर रा, रा, राजस्थान ए की वैकेंसी आने वाली है सर मैं अलीगढ़ में नहीं मैं इलाहाबाद में रहता हूँ सर एएमयू एमयू से मैंने किया था लॉ मैं रहता इलाहाबाद में हूं प्रयागराज में रहता हूं चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं पी इसकी चाहिए हो तो क्या करना है टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम चैनल है कौन सा स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेस स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेस ठीक है ये टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं मिले तो अभी कम्युनिटी में जाइएगा कम्युनिटी पोस्ट जो होती हैं कम्युनिटी पोस्ट चैनल पे होती है यूट्यूब पर साइड में जाइएगा दो तीन पोस्टें होती हैं वीडियो लाइव और लाइव प्लेलिस्ट कम्युनिटी पोस्ट ऐसे कम्युनिटी पोस्ट होती है ठीक है कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा उसमें मैंने लिंक डाल रखा है ठीक है या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा थोड़ी देर बाद तो इसमें भी डाल दूंगा ठीक है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ये सारी पी आपको वहीं मिलेंगी डेली ठीक है लेक्चर खत्म होने के आधे घंटे के अंदर खाना ना खा के फिर मैं डाल दिया करूंगा ठीक है अरे उर्मी जी नहीं भाई हम किसी को नहीं भूले अरे सर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं दुर्लभ हो गए हैं आपके दर्शन हा? मैं यही हूँ उर्मी जी कैसे भूल जाएंगे आपको चलिए अगर किसी को नहीं पता है तो आप लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं है? आप लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं मेरे फिफ्टी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हो गए हैं ठीक है मैं जो है कॉन्ग्रेचुलेसन का भूखा हूँ <laughs> सर मैं यूपी शिफ्ट हो गई हूँ अच्छी बात है कभी मीटअप रखते हैं यहाँ पर आइएगा ज़रूर सर इलाहाबाद एल एल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें आ, गैप ऐप तो नहीं है आपका ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ठीक है चलो व्हाट्सअप नंबर भी लिख के दे रहा हूँ ठीक मुझे व्हाट्सअप कर देना अस्सी सत्रह ग्यारह पैंसठ चौवन ठीक व्हाट्सएप ही करना प्लीज़ कॉल ऑल मत करना ठीक है व्हाट्सएप ही करिएगा केवल हूँ इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी जानकारी चाहिए हो ठीक इस पर जो है कॉल और मत करिएगा नंबर का मिस यूज़ मत करिएगा इस हैं जैसे ट्रेन में इधर उधर लिख के आ जाओ मेरा नंबर है किसी और के नाम से ऐसा मत करना ठीक है आज के टाइम पे जो है नंबर वंबर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देना ठीक है हमने भी लॉ केवल पढ़ाने के लिए थोड़े किया मैं तो बोलता रहता है <laughs> कोई बात भी हो गई तो क्या है लॉ केवल पढ़ाने के लिए किया था अरे जी ना जी मजा ही आ जाए अगर एक लाख हो जाए इसको खत्म होने से पहले पहले अरे जी आप हमारा भी नमस्कार स्वीकार सुख करें आप सभी को अरे कॉल मत किया करो भाई <laughs> पहले मैसेज किया करें फिर मैं कॉलिंग का टाइम बता दूंगा आपको ठीक है सर हमको कैसे पता लगेगा कि कोई केस वारंट ट्रायल होगा या समन ट्रायल होगा आपको क्या करना ट्रायल से ये तो कोर्ट का काम है ये समन ट्रायल होगा कि वारंट ट्रायल होगा ठीक है आपको क्या करना इससे वो कोर्ट का काम भाई हमें तो ये देखना है कि अवेलेबल है कि नॉन अवेलेबल है एज एडवोकेट अवेलेबल है कि नॉन अवेलेबल है कांग्जेबल है कि नॉन कांग्रेजेबल है ठीक है समन ट्रायल होगा वारंट ट्रायल होगा ये तो कोर्ट का काम है यार ये या एग्जाम की डेट कब आएगी भाई मैं कोई है? हाँ ग्रुप में आप ज़्यादा शेयर ना किया करें ठीक है वो थोड़ा सही नहीं रहेगा वहाँ पे शेयर करना ऐसे कोई बात नहीं लेकिन फिर भी ठीक है वहाँ ना शेयर किया करें जिससे मैंने कहा है वो समझ गया ठीक है समझ गए ना आप मैंने आपसे ही कहा है सर सिविल जज के बारे में एक बार स्टेप बाय स्टेप बताना कि जज बनने के लिए क्या और कैसे होता है इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना देना गुरुजी अरे शॉर्ट वीडियो नहीं है भाई तैयारी भी लंबी चाहिए इसके लिए और वीडियो भी लंबी चाहिए एक मिनट में ये समझा देना कि जज कैसे बनना है मेरे बस की बात नहीं है ठीक है एक बार मैं से अब देख रहा था कि मेरे में व्यूज़ के नहीं आते कि पूरी सी आर पी सी पढ़ें पूरी सी आर पी सी वीडियो थी नॉमिनट की ठीक है हाउ इज इट पॉसिबल कि नौ मिनट में किसी ने मैंने खोल के भी नहीं देखी और उस पर मिलियंस में व्यूज हैं कि नौ मिनट में सीआरपीसी आर है चलिए ठीक है, है आ नहीं लूंगा आप लोग के होते हुए चलिए फिर ठीक है, है? गुड नाइट आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेसन आपका भी चैनल है फिफ्टी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हो गए उस पर पूरी वीडियो में वो, रोज के लेक्चर्स में कुछ स्टेप ध्यान रखिएगा मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा आप लोग अपने कमेंट करते रहिएगा लास्ट में मैं देखूंगा लास्ट के पंद्रह मिनट सिर्फ डिस्कशन के होंगे ठीक है कोई डाउट हो वो पूछिए कोई डिस्कशन हो वो पूछिए क्लास के बीच में थोड़ा कोशिश करिएगा कि आप कमेंट टमेंट ना करें जिससे मतलब ऐसा कोई कमेंट ना करें मेरा ध्यान भटके ठीक है तो कंटिन्यूटी बनी रहे और जो है कम से कम आपका टाइम वेस्ट हो हूँ चलिए अरे आप देखेंगे तब बनेगी भाई आप रोज़ देखेंगे तभी बन पाएगी गुड नाइट गुड नाइट एवरी वन थैंक यू ख्याल रखना अपना खाना आना खा के सोना और जो इलाहाबाद में वो पार्टी लेना चाहे वो आ सकता है ठीक है ठीक बाय